जय जय श्री राधे। भगवान नाम संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सर्वोत्तम साधन क्या है? मेरी तो फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी अर्थात प्रथम अंतिम और नवीनतम आविष्कार यही है कि अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति नाम का आश्रय पकड़ ले और साधन हो सके तो अवश्य करे। किसी का विरोध नहीं है, परंतु और कुछ भी न हो सके तो केवल जीव से निरंतर नाम जप करता रहे। क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? आप नाम जप का नियम लें। यदि यह नियम चलता रहा तो शब्द याद रखिए, भगवान मिल जाएंगे। आप नाम जप की प्रतिज्ञा कीजिए, निभाएंगे भगवान। क्या बिना भाव के नाम जप करने से भी कोई लाभ होता है? जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंचमय जगत के मोह को जला देने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम लेने से पापों का नाश होता है, क्या यह कथन सत्य है? बड़े से बड़े पाप भगवान नाम के उच्चारण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए हरि नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक प्रायश्चित है। भागवत के कथन अनुसार चोर, शराबी, मित्रद्रोही, स्त्री, राजा, पिता, गौ तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नीगामी और अन्य अन्य बड़े से बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी भगवान के नाम ग्रहण मात्र से तत्काल मुक्त हो जाता है। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है अथवा अन्य लाभ भी होते हैं? भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं होता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि स्वयं नामी खिंचाते हैं। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर शेष घंटे तक भजन की शक्ति मिलती रहेगी। आरंभ में भगवान का नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म फल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। नाम साधन में सहायक उपाय क्या है? नाम साधन में सहायक उपाय हैं, पहला नाम प्रेमियों का संग, दूसरा प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम, तीसरा भोगों में वैराग्य की भावना, चौथा संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन। आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं, परंतु उनकी दशा देखते हैं तो लगता होता है कि उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लाखों बार नाम जप की आवृत्ति करने पर भी पापों में प्रवृत्ति और दुखी देखे जाते हैं। प्यारे साधकों, पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति उनके द्वारा वस्तुतः होती नहीं, धोखे से समझ ली जाती है। दूसरा कारण है कि उनकी नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है, नाम के महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। तीसरा कारण है साधक का सकाम भाव। सिर में मामूली दर्द भी होता है तो मिटाने के लिए राम नाम कहते हैं। 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम कहते हैं। आरोग्यता, मान बढ़ाई, संतान सुख सबके लिए राम नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे रह जाते हैं। सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? नाम परायण होना वास्तव में सहज नहीं है। कारण है कि इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि केवल शब्द स्मरण मात्र से पाप वासना का नाश कैसे हो सकता है? भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं? भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही होता है, जब सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं कोई आशा नहीं रहती, जगत के लोग बात नहीं करना चाहते,
निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा जाता है, तब प्राण रोठते हैं और उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। भगवान नाम का आश्रय लेकर पाप करने वालों की क्या दशा होती है? भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की छूट नहीं मिल जाती। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती, उनके पाप वज्रलेप हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा एक रोचक वक्तव्य है, यह यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषियों और संत महात्माओं ने नाम महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण गाए हैं। नाम के रसिक मत वाले शराबी की तरह नाम प्रेम में मस्त हुए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन क्या है? परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन भगवान नाम है। इसलिए भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान के प्रेम के लिए। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि भजन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। नाम भजन के कितने प्रकार हैं? नाम भजन के तीन प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। जप क्या है? परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति का नाम जप है। जप कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, साधारण, उपांशु और मानस। इसमें पूर्व पूर्व से उत्तर 10 गुना अधिक फलदायक है। साधारण जप क्या है? उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीव और होंठ तो हिलते हैं किंतु शब्द अंदर ही रहते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। मानस जप क्या है? जिसमें न जीव हिलाने की आवश्यकता होती है और न होंठ हिलाने की, उसे मानस जप कहते हैं। श्वास के द्वारा जप करना किसको कहते हैं? प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना, साथ ही जिह्वा से भी उपांशु रूप में उच्चारण करते रहना, आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। श्वास का जप बिना मन के नहीं हो सकता। नाड़ी का जप क्या होता है? अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीव और माला का प्रयोग श्वास के जप के समान करना चाहिए। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप कैसे होता है? स्मरण मन की वृत्ति है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नामी की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त जप कहलाता है। मानस मूर्ति पूजा की भांति नामाक्षरों की कल्पना मन में कर उसे बार बार पढ़ना कैसे होता है? आंखें मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ते रहना, साथ ही जीव का प्रयोग भी करते रहना। गिनती के लिए हाथ में माला रखें। क्या नामाक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों या गले की माला में या मस्तक के मुकुट में या हस्तपाद आदि अंगों पर जड़े गहनों पर नामाक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जप करता रहे। कीर्तन किसको कहते हैं? जप में नाम संख्या का हिसाब रहता है, कीर्तन में नहीं रहता। कीर्तन जितना गगन भेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व है। कीर्तन के कितने प्रकार हैं? कीर्तन के प्रकार हैं, पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज ने किया। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंधनों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र का गान और बीच बीच में नाम कीर्तन।
चौथा कुछ लोगों का एक साथ मिलकर भगवान नाम गान करना। पांचवा अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहाँ प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान नाम का ऊंचे स्वर से संकीर्तन होता है, वहाँ के मनुष्य पशु पक्षी की बात तो कौन कहे, वहाँ के वृक्ष लता आदि भी पवित्र हो जाते हैं, उन्हें शांति मिलती है। हर समय नाम जप कैसे हो? भगवान के नाम में भूल होने में अभ्यास की कमी ही कारण है, परंतु प्रधान कारण तो विश्वास और प्रेम की कमी समझना चाहिए। विश्वास और प्रेम भी भजन और सत्संग से होते हैं, इसलिए सत्संग तथा नाम जप रूपी भजन का ही विशेष अभ्यास करना चाहिए। नामापराध क्या है? नाम के 10 अपराध बताए गए हैं। पहला, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरे नाम में अर्थवाद। छठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना। आठवां, अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना न चाहने वालों को नाम का उपदेश। नवां, नाम का महात्म्य सुनकर भी उसमें प्रेम न करना। दसवां, मैं मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना। नाम अपराध बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। नामाश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है? चमत्कारी लाभ के लिए नाम परायणता में, नाम विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता, ये 7 मुख्य भाव हैं। इन भावों से युक्त होकर नामाश्रय करने वाले को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। भजन करते समय चित्त वृत्ति में इतनी उथल पुथल क्यों होती है? निष्ठा रहित भजन में कभी मन भजन करना चाहता है, कभी भोगों की प्राप्ति, कभी घर से भागना चाहता है, कभी घर में अत्यंत रम जाना। वैराग्य सा आता है तो कभी आसक्ति, पर यदि मनुष्य सत्संग का सहारा पकड़े रहता है तो भजन छूटता नहीं और भजन की स्वाभाविक महिमा अंत में सारे उधेड़ बुन को मिटाकर भजन को निष्ठापूर्ण बना देती है। फिर तो भजन में रुचि, सुख, रस और प्रीति का इतना विस्तार होता है कि छोड़ने पर भी भजन छूट नहीं सकता। माला नहीं रखने पर भूल हो जाती है और माला रखने में संकोच होता है और लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या करना चाहिए? लोगों से मान बड़ाई मिलने से अहंकार होने का डर भी है। सारा संकोच छोड़कर माला अवश्य रखनी चाहिए। मन को समझाना चाहिए कि इसमें संकोच की तनिक भी बात नहीं है। लज्जा छोड़कर भजन करने वाला समस्त विश्व को पवित्र करता है। माला रखने से मान बड़ाई मिलती है तो अपने मन में मान बड़ाई को स्थान न दें तो मान बड़ाई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। नाम जप का वास्तविक फल क्या है? नाम जप का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के अनुषंगिक फल भाव हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता है। सुना है कि 3.5 करोड़ राम नाम के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या यह सत्य है? विश्वास भाव तथा महत्व के पूर्ण ज्ञान का उदय होने पर तो एक नाम से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कल संतरणों उपनिषद में हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस 16 नाम के मंत्र के 3.5 करोड़ जप से मृत्यु के अनंतर मुक्ति हो जाने की बात लिखी है। इसमें कोई विधि नहीं है, बस इतना मंत्र हो जाना चाहिए। आपको नाम जप से क्या लाभ हुआ? नाम से मेरे को जो लाभ हुआ है वह मैं कह नहीं सकता। नाम असंभव को संभव कर सकता ही नहीं, करता है। नाम जप करने वाला अंत समय में बेहोश हो जाए तो क्या होगा? नाम जप जब तक होश रहे घड़ी भर भी न छोड़े। यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भगवान संभाल लेंगे। नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है?
मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक किया जाए तो लाभदायक होता है। मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। क्या मंत्रों का अर्थ जाने बिना उनके उच्चारण से लाभ हो सकता है? शब्द ब्रह्म माना गया है। वैदिक तांत्रिक आदि जो मंत्र हैं वे शब्दात्मक हैं और उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। अर्थ बिना समझे केवल उन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। प्रतिदिन 300,000 जप करने के लिए क्यों कहा जाता है? सत्कर्म का परित्याग कर देने पर मन इंद्रियां निकम्मी तो रहेंगी नहीं, वे प्रमाद कर्म करेंगी। इसलिए त्यागी वैष्णव संतों ने प्रतिदिन 300,000 नाम जप का नियम बना रखा है, जिससे दूसरी बात सोचने करने के लिए अवकाश ही न मिले। क्या भगवान नाम से मनुष्य पाप से बच सकता है? भगवान नाम के संबंध में आता है, नाम में पाप को नाश करने की जितनी शक्ति है, पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है। नाम पाप करने की छूट नहीं देता। प्यारे भक्तों, इस दुर्लभ ज्ञान को दूसरे भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हिंदी में पढ़ने के लिए वेबसाइट www.divyagyans.com पर जाएं। अब प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।